आज ही डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, फिजिक्स और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन 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 की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। Hello guys, वीडियो पाओ। इस में में देखेंगे जो कि बेस्ड है इक्वेशन ऑफ़ फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे। में क्या बोला है for एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एट इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड इफ इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी इज़ टू म्यू नॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी तो हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं देखो अगर हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइव म्यू नॉट है मतलब फाइव टाइम्स ऑफ थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी है तो जो हमें वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी है एट इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है और हमने जब फ्रीक्वेंसी म्यू डैश ट्वाइस ऑफ म्यू ट्वाइस ऑफ क्या कर दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ठीक है ट्वाइस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर दी तो उस केस में हमें वेलोसिटी बतानी है ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि क्या होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इसे मोर प्रिसाइजली कहें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मतलब एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल मतलब वर्क ये एच न्यू नॉट ठीक है वर्क फंक्शन क्या होता है एच इन टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ठीक है तो इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे अब देखो मान लेते हैं जब हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी दी मतलब फाइव टाइम्स ऑफ threshold फ्रिक्वेंसी तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी है के ई वन समझ गए तो यहाँ हो जाएगा एच न्यू की वैल्यू क्या है फाइव न्यू नॉट और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ एच न्यू नॉट तो के ई वन हमारे पास क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस ये आ गई हमारे पास फोर एच न्यू नॉट समझ गए ये हो जाएगा फाइव एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट तो सपोज इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन अब सेकेंड केस की बात करें जब हमने क्या करा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमने कर दी ट्वाइस ऑफ थ्रेश फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियस है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगी है ना तो इस केस में हम काइनेटिक एनर्जी के ई टू बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा एच इन टू ट्वाइस ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस एच न्यू नॉट ठीक है तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के ई टू यानी सेकेंड केस जब हमने इतनी फ्रीक्वेंसी दी तो ये हो जाएगा हमारे पास एच न्यू नॉट इसे बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन अगर फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड बाय सेकेंड तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा के ई वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड केस इज इक्वल टू फोर एच न्यू नॉट अपॉन एच न्यू नॉट तो यहां से ये कैंसल हो जाएगा लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी हमें क्या निकालना है वेलोसिटी द मैक्सिमम वेलोसिटी ठीक है तो ये ध्यान रखना है ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है फॉर्मूला ही मैक्सिमम मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ये जो इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट स्पीड से चल रहा है ठीक है इतनी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी डालने पे सारे इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी सबके पास नहीं होती क्योंकि कुछ कोलिजन में एनर्जी डिसिपेट कर देते हैं ठीक है तो इसलिए हम यहाँ के ई मैक्स लिखते हैं अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी वन का स्क्वायर अपॉन समझ गए फर्स्ट केस में वेलोसिटी सपोज हम वी वन ले देते हैं तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा हाफ एम इंटू वी टू का स्क्वायर यानी सेकेंड केस में वेलोसिटी तो ये क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा देखो यहाँ हाफ एम से हाफ एम कैंसल हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों केस में सेम ही रहेगा है ना तो यहाँ से क्या आ जाएगा v1 का square is equal to 4 v2 का square. हमें सेकेंड केस में वेलोसिटी निकालनी है तो v2 का स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर अगर दोनों तरफ रूट ले लें तो v2 क्या आ जाएगा हमारे पास अपॉन टू वी हमें कितना गिवन है फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी है वो हमें एट इंटू टेन की पावर सिक्स और इस केस में सपोज v2 टू बोल देते हैं वेलोसिटी तो यहाँ v1 की वैल्यू कितनी है एट इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है ये दे रखी है अब डिवाइडेड बाय टू भी हमें करना है तो ये हो जाएगा v2 यानी फोर हो जाएगा ठीक है तो फोर इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास सेकेंड केस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ठीक है तो वही अगर मान लो ऐसा केस होता है कि हमने फर्स्ट केस में फाइव टाइम फ्रीक्वेंसी डाली और सेकेंड केस में टू टाइम्स ऑफ थ्रेश होल्ड तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स डिक्रीज कर जाती है ठीक है और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिसो क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो सकता है आज डाउनलोड करे डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर